लोग को बाइज्जत निर्दोष किया गया है, निर्दोष साबित किया गया और बरी किया गया है। मैं माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। नौ साल पहले रेल रोको आंदोलन के तहत एक मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में अब फैसला आ गया है। 2300 लोग बरी हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वैशाली की सांसद वीणा देवी, बीजेपी विधायक रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत 23 लोग बरी हो गए हैं, जिसके बाद खुशी जताई है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील जो हैं, उनके क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ जो नेता है क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी खुश हैं और कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 2014 में ये एक रेलवे एक्ट का केस मुजफ्फरपुर में ट्रेन रोको योजना के तहत एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर के एक केस दर्ज किया गया था। उसमें 27 आदमी के एक्यूज बनाया गया था, जिसमें से 23 आदमी पर चार्जशीट हुआ था। उसमें माननीय गिरिराज सिंह, सुरेश शर्मा जी, रामसूरत राय जी, वीणा देवी सहित उस समय 23 आदमी को अभियुक्त बनाया गया था और उसका सोनपुर रेलवे कोर्ट में ये केस गया। MPML कोर्ट का जब निर्माण हुआ तो इसको मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र किया गया, जहां सुनवाई हुआ है और सुनवाई के उसमें गवाह भी आए थे, लेकिन आज फैसला हुआ, साक्ष्य के अभाव में सभी को बड़ी कर दिया गया है। 23 आदमी थे, 23 आदमी सभी बड़े। उसमें 23 आदमी अभियुक्त थे, माननीय गिरिराज सिंह सहित उसमें सुरेश शर्मा और काफ़ी लोग उसमें एक्यूज, 23 आदमी एक्यूज थे, उन लोगों पर चार्ज हुआ था। आज फैसला हुआ है, वो बरी कर दिए गए हैं, उसमें बरी कर दिए गए हैं। हाँ, बरी कर दिया गया, सभी को बरी कर दिया गया है। बीजेपी दर्ज हुई थी, जिसमें हम लोगों को नाम दर्ज रेलवे विभाग के द्वारा कराया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग को बाइज्जत निर्दोष किया गया है, निर्दोष साबित किया गया और बरी किया गया है। मैं माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। काफ़ी खुशी है? हाँ, काफ़ी खुशी स्वाभाविक है, हम लोग निर्दोष थे और आज कोर्ट के द्वारा साबित भी हो गया कि हम लोग निर्दोष हैं, बाइज्जत रिहा किया गया, सभी लोग बरी हो गए, 2300 लोग बरी हो गए इसमें। हुआ था, बरी हो गई है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, तो खुशी है। हाँ, एकदम खुश है, हम लोग एकदम बहुत खुश है और न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, वकील ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में सभी बरी हो गए हैं, वहीं नेताओं ने बताया कि यह झूठा मुकदमा था और इसमें हम लोग बरी हो गए हैं, फैसला स्वागत योग्य है और फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और काफ़ी खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के जो विधायक हैं रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत 23 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया था।